हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका एग्जाम गुरु एकेडमी के डेली करंट अफेयर सेशन में। आज हम चर्चा करेंगे 28 दिसंबर 2017 के करंट अफेयर्स पे। तो देखते हैं आज 28 दिसंबर को कौन कौन सी ऐसी नेशनल और इंटरनेशनल हेडलाइंस है न्यूज़पेपर्स में जो हमारे करंट अफेयर का पार्ट हैं और हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस चैनल से डेली करंट अफेयर्स और जीएस का ऑटोमेटिक अपडेट मिलता रहे। और वीडियो को देखने के बाद इसको लाइक जरूर कीजिए और लाइक करने के बाद इसके लिंक को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी इस करेंट अफेयर सेशन को देख के इससे लाभ ले सकें। तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट है भारत सरकार, तमिलनाडु सरकार और विश्व बैंक। अब देखते हैं इन तीनों के बीच में कौन से एग्रीमेंट पे साइन हुआ है। भारत सरकार, तमिलनाडु सरकार और विश्व बैंक ने तमिलनाडु सिंचाई कृषि आधुनिकीकरण परियोजना के लिए लघु और सीमांत किसानों हेतु जलवायु स्थिति स्थापक कृषि प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने और जल प्रबंधन प्रक्रियाओं में सुधार करने तथा बाजार के अवसरों को बढ़ाने हेतु 318 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न कैसे बनेगा, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में भारत सरकार, तमिलनाडु सरकार और विश्व बैंक ने तमिलनाडु सिंचाई कृषि आधुनिकीकरण परियोजना के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो यह 318 मिलियन डॉलर। अब अगर बात करें विश्व बैंक के फैक्ट की तो विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं जिम योंग किम और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए में। अगला पॉइंट है सोहन लाल कमोडिटी मैनेजमेंट। अब देखते हैं यहां से जुड़ी कौन सी न्यूज है जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। कृषि सेवा समाधान प्रदाता कंपनी सोहन लाल कमोडिटी मैनेजमेंट ने भारत और म्यांमार में संचालित एचडीएफसी बैंक और इंडस इंड बैंक के साथ सहायक प्रबंधन सेवाएं मुहैया कराने हेतु समझौता किया। तो देखिए यहां पे एक एग्रीमेंट की बात हो रही है और नाम आ रहा है सोहन लाल कमोडिटी मैनेजमेंट का जो कि कृषि सेवा समाधान प्रदाता कंपनी है और इसने एचडीएफसी बैंक और इंडस इंड बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है सहायक प्रबंधन सेवाएं मुहैया कराने के लिए। अब देखिए यहाँ पे अगर फैक्ट की बात करें तो जो SLCM है यानी कि सोहन लाल कमोडिटी मैनेजमेंट है इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं संदीप सफरवाल और अगर HDFC की बात करें तो इसके CEO हैं आदित्य पुरी और HDFC बैंक का मुख्यालय मुंबई में है और इंडस इंड बैंक के अध्यक्ष की बात करें तो ये हैं आर शेष साई और इंडस इंड बैंक का मुख्यालय है मुंबई में। तो देखिए यहां पे प्रश्न कैसे बनेगा, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में कृषि सेवा समाधान प्रदाता कंपनी सोहन लाल कम्युनिटी मैनेजमेंट ने भारत और म्यांमार में संचालित किन दो बैंकों के साथ सहायक प्रबंधन सेवाएं मुहैया कराने के लिए समझौता किया है। तो ये है HDFC और इंडस इंड बैंक। अगला पॉइंट है द किंग सलमान वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप। अब देखते हैं ये कहाँ पे आयोजित होने जा रहा है और इससे जुड़ी और भी कौन सी न्यूज़ है जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। सऊदी अरब बोर्ड खेल खेलने के खिलाफ देश के शीर्ष पुरोहित द्वारा जारी मजहबी फरमान के लगभग 2 वर्ष बाद पहली बार एक विश्व शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी करने जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे नाम आ रहा है सऊदी अरब का और ये मेजबानी करने जा रहा है विश्व शतरंज टूर्नामेंट का और टूर्नामेंट का नाम है द किंग सलमान वर्ल्ड रैपिड एंड ब्रिज चेस चैंपियनशिप और इस टूर्नामेंट में नॉर्वे, आर्मेनिया और अजरबैजान के विश्व के शीर्ष 3 शतरंज खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। अब अगर बात करें सऊदी अरब के फैक्ट की तो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब की राजधानी है रियाद और सऊदी अरब की मुद्रा है सऊदी रियाल। अब देखिए जो इस्लाम धर्म है उसमें शतरंज को जो है हराम मानते हैं, ठीक है, तो इसलिए सऊदी अरब बोर्ड ने शतरंज खेलने पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था वहाँ पे, लेकिन इसको दरकिनार करते हुए वहाँ के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने विश्व शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन रखा है और इस टूर्नामेंट का नाम दिया है द किंग सलमान वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप। तो आपको याद रखना है इस चीज़ को क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि द किंग सलमान वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया, तो यह है सऊदी अरब। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न कैसे बनेगा, एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि जालियम झारलगा पो बॉक्सिंग टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया गया और इस प्रतियोगिता में भारत ने कुल कितने पदक जीते। तो देखिए इसका आयोजन स्थल रहा
कजाकिस्तान का करागांडा, ठीक है, तो करागांडा में आयोजित किया गया था कजाकिस्तान के, और इसमें टोटल भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य जीते हैं, यानी कि टोटल 5 पदक जीते हैं। तो आपको याद रखना है कि भारत ने इस प्रतियोगिता में 5 पदक जीते हैं और इसका आयोजन स्थल रहा कजाकिस्तान का करागांडा। अगला पॉइंट है नसीम अल बहर और सी ब्रिज। अब देखते हैं ये नौसैनिक अभ्यास किस देश के साथ किया गया और कहां पे किया गया। भारतीय नौसेना ने ओमान नौसेना के साथ नसीम अल बहर अभ्यास आयोजित किया और वर्ष 1993 के बाद से हर 2 साल पर आयोजित होने वाला नसीम अल बहर और सी ब्रिज नामक नौसेना अभ्यास का ये 11वां संस्करण है। तो देखिए आपको साथ ही साथ याद रखना है कि ये इस नौसेना अभ्यास का 11वां संस्करण है और ये नौसेना अभ्यास यानी कि नसीम अल बहर और सी ब्रिज भारतीय नौसेना ने ओमान की नौसेना के साथ किया है। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम में प्रश्न कैसे बनेगा कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ नसीम अल बहर और सी ब्रिज नामक नौसैनिक अभ्यास किया है, तो यह है ओमान की नौसेना। अब अगर ओमान के फैक्ट की बात करें तो ओमान की राजधानी है मस्कट और ओमान की मुद्रा है ओमानी रियाल। देखिए इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो इस तरीके के कई सारे नौसैनिक और सैनिक अभ्यास भारत जो है विभिन्न देशों के साथ करता रहता है, जैसे कि मालाबार जो है ये भारत करता है अमेरिका और जापान के साथ, और ये अभी जुलाई 2017 में हुआ था और ये इसका 11वां संस्करण था और ये भारत अमेरिका और जापान के बीच में नौसैनिक अभ्यास था। तो देखिए ये सबसे मेन चीज़ क्या होती है, यहाँ पे आपको देखना होता है कि नौसैनिक अभ्यास है या फिर सेना का अभ्यास है। तो मालाबार भी जो है ये नौसैनिक अभ्यास है भारत अमेरिका और जापान के बीच में, और सूर्य किरण जो है ये इंडिया और नेपाल के बीच में आर्मी एक्सरसाइज है, ठीक है, और ये आयोजित किया गया था अभी हाल ही में नेपाल आर्मी बैटल स्कूल में और ये 3 से 16 सितंबर 2017 के बीच में आयोजित किया गया था। और एक और सैन्य अभ्यास जो है बहुत ही चर्चा में था सागर माथा, और ये हुआ था चीन और नेपाल के बीच में, क्योंकि ये चीन और नेपाल का पहला सैन्य अभ्यास था और ये जो है एवरेस्ट में हुआ था, एवरेस्ट आप जानते ही होंगे, और ये सैन्य अभ्यास हुआ था 17 से 20 अप्रैल 2017 तक। तो आपको बस इतना याद रखना है सागर माथा जो है चीन और नेपाल का पहला सैन्य अभ्यास है और ये एवरेस्ट में हुआ था। और एक और सैन्य अभ्यास हुआ था भारत और रसिया के बीच में जिसको नाम दिया गया था इंद्र। देखिए इंद्र का मतलब हो गया INDR का मतलब इंडिया और RA का मतलब हो गया रसिया, यानी कि इंद्र सैन्य अभ्यास जो है इंडिया और रसिया के बीच में हुआ था और इसको आयोजित किया गया था रूस में, ठीक है, रूस के ब्लाडी वोस्टक में, और इसमें जल थल वायु तीनों सेनाओं ने भाग लिया था। और इसके बाद एक सैन्य अभ्यास हुआ था वरुण 2017 और ये नौसेना का अभ्यास था। तो वरुण 2017 जो है नौसैनिक अभ्यास था, ये 24 अप्रैल 2017 को आयोजित किया गया था फ्रांस के टूलोन पोर्ट में और ये इंडिया और फ्रांस के बीच में हुआ था। तो आपको यहाँ पर याद रखना है वरुण 2017 इंडिया और फ्रांस के बीच में हुआ था और ये इंडिया और फ्रांस के बीच में नौसैनिक अभ्यास है जिसका आयोजन 26 अप्रैल 2017 को फ्रांस के टूलन पोर्ट पे हुआ था। और एक और सैन्य अभ्यास जो है बहुत चर्चा में था ट्रोपैक्स 2017, ये भारत के तीनों सेनाओं के युद्ध की तैयारी परखने के लिए सैन्य अभ्यास है, ठीक है, तो ट्रोपैक्स जो है वो इंडिया का खुद का सैन्य अभ्यास है और इंडिया की तीनों सेनाएँ इस सैन्य अभ्यास में भाग लेती हैं और ये अपनी जो है युद्ध की तैयारी परखती हैं इस सैन्य अभ्यास के माध्यम से। तो आपको इतने सारे फैक्ट याद रखने हैं और इतने सारे नौसेना और सेना के अभ्यास याद रखने हैं क्योंकि ये सारे जो है रिपीटेड हैं, एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज कर दें, मालाबार जो है ये नेवल एक्सरसाइज है इंडिया अमेरिका और जापान के बीच में, सूर्य किरण जो है ये इंडिया और नेपाल के बीच में मिलिट्री का एक्सरसाइज है, और सागर माथा चीन और नेपाल के बीच में पहला सैन्य अभ्यास हुआ था अभी एवरेस्ट में, और नोमैडिक एलिफेंट जो है ये इंडिया और मंगोलिया के बीच में सेना का अभ्यास है, ये मिजोरम में आयोजित किया गया था, और इंद्र सैन्य अभ्यास जो है इंडिया करता है रसिया के साथ और इसमें जल थल वायु तीनों सेनाएँ भाग लेती हैं, और वरुण 2017 जो है ये नौसैनिक अभ्यास हुआ था फ्रांस के टूलन पोर्ट पर इंडिया और फ्रांस के बीच में, और ट्रोपैक्स जो है वो भारत के तीनों सेनाओं का युद्ध की तैयारी परखने के लिए सैन्य अभ्यास है, यानी कि भारत की तीनों सेनाएं इस सैन्य अभ्यास में भाग लेती हैं। तो ट्रोपैक्स के बारे में आपको याद रखना है, इसमें भारत की तीनों सेनाएं इस सैन्य अभ्यास में भाग लेती हैं। अगला पॉइंट है राबी मलिंगा। देखते हैं राबी मलिंगा कौन है और किस लिए चर्चा में है।
प्रसिद्ध दक्षिण अफ्रीकी संगीतकार राबी मलिंगा का निधन हो गया, वे एनीमिया से पीड़ित थे। तो देखिए यहाँ पे नाम आ रहा है राबी मलिंगा का और इनका निधन हो गया है, और ये दक्षिण अफ्रीका के प्रसिद्ध संगीतकार थे। तो देखिए एग्जाम में प्रश्न वन लाइनर ही बनेगा यहाँ पे भी, कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस संगीतकार का निधन हो गया, तो ये है राबी मलिंगा। और इस संगीतकार को उसके हिट गानों जैसे कि शोभा विली, माथांडा और बेबी प्लीज के लिए जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी बस जानकारी के लिए थी, आपको बस इतना याद रखना है कि दक्षिण अफ्रीका के प्रसिद्ध संगीतकार राबी मलिंगा का निधन हो गया। अगला पॉइंट है विन डीजल। अब देखते हैं विन डीजल क्यों चर्चा में है। विन डीजल को फोर्ब्स द्वारा 2017 के शीर्ष कमाई करने वाले अभिनेता का नाम दिया गया है, जिसमें उनकी फिल्म द फेट ऑफ द फ्यूरियस से $1.6 बिलियन की वैश्विक टिकट प्राप्तियां हैं। अब अगर बात करें इस लिस्ट में दूसरे स्थान पे कौन है, तो दूसरे स्थान पे हैं डेविड जॉनसन, जिनको आप द रॉक के नाम से भी जानते हैं। तो ये हैं द रॉक, यहाँ पे छोटा सा पिक्चर दिख रहा होगा इनका। और तीसरे स्थान पे है वंडर वुमन अभिनेत्री गैल गादोत। तो पहले स्थान पे हैं विन डीजल, दूसरे स्थान पे हैं द रॉक और तीसरे स्थान पे हैं गैल गादोत। देखिए जो पहले स्थान पे है वही एग्जाम में पूछता है, तो आपसे एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछ सकता है इस पे, कि हाल ही में फोर्ब्स द्वारा 2017 के शीर्ष कमाई करने वाले अभिनेता की सूची में पहले स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पे है विन डीजल। अब अगर फोर्ब्स की बात करें तो फोर्ब्स अमेरिकन बिजनेस मैगजीन है और इसकी स्थापना 1917 में हुई थी, और फोर्ब्स का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर USA में है। तो इतने सारे फैक्ट फोर्ब्स के बारे में भी आपको याद रखने हैं, लेकिन सबसे पहले आपको याद रखना है कि विन डीजल को फोर्ब्स द्वारा 2017 के शीर्ष कमाई करने वाले अभिनेता की सूची में टॉप पे रखा गया, यानी पहले स्थान पे रखा गया है। अगला पॉइंट है आसियान भारत प्रवासी भारतीय दिवस 2018। अब देखते हैं इसका आयोजन कहाँ पे होने जा रहा है। आसियान भारत प्रवासी भारतीय दिवस 2018 सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा, और सिंगापुर में आयोजित होने वाला ये दो दिवसीय आसियान भारत प्रवासी भारतीय दिवस समारोह 6-7 जनवरी 2018 को आयोजित किया जाएगा। तो देखिए इसका आयोजन जो है सिंगापुर में हो रहा है, और ये 6-7 जनवरी के बीच में आयोजित होगा। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें याद रखनी है, कि इसका आयोजन स्थल रहेगा सिंगापुर, और ये 6-7 जनवरी 2018 को आयोजित किया जाएगा, यानी अगले साल जनवरी में। और प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो आज का करंट अफेयर सेशन ही समाप्त होता है, कल मैं फिर आपके लिए करंट अफेयर सेशन लेके आऊँगा। आप जल्दी से वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप और फेसबुक पे, ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख के इस करंट अफेयर सेशन से लाभ ले सकें। थैंक यू।